गुड आफ्टरनून एवरी वन. ऑलरेडी आप लोगों ने मेरा इंट्रोडक्शन लेक्चर देखा था अबाउट बीके. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर टेक्स्ट बुक. साइड में आपको इमेज दिखाई दे रही होगी. इज दिस इमेज इज अबाउट अवर सिलेबस पेज. सिलेबस पेज में देखो अपना फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स. करेक्ट. सो फाइनल अकाउंट्स आप सबने ऑलरेडी पहले सुना है. ऑलरेडी हमने 11th स्टैंडर्ड का जो अपना लास्ट चैप्टर था वो हमने सॉल्व किया है. करेक्ट. क्या होता है ये फाइनल अकाउंट्स? फाइनल अकाउंट्स ईच एंड एवरी, यहाँ पर के लिए हम बोलेंगे कंपनी या फिर पार्टनरशिप फर्म, ईच एंड एवरी ईयर रेडी करता है फाइनल अकाउंट्स. फाइनल अकाउंट्स में तीन चीज़ें होती है. वेरी फर्स्ट इज अवर ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट के बाद आता है अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑल्सो कॉल्ड एज P&L अकाउंट. एंड थर्ड अपना होता है बैलेंस शीट. ट्रेडिंग अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है. नॉमिनल अकाउंट मीन्स वॉट? यहाँ पर एक्सपेंसेस एंड इनकम रिकॉर्ड किया जाता है. सेकेंड इज अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगेन एक्सपेंसेस एंड इनकम. दैट इज नॉमिनल अकाउंट है ट्रेडिंग और P&L दोनों अकाउंट्स है. दैट इज वाई लेफ्ट साइड आता है डेबिट साइड, राइट साइड होता है अपना क्रेडिट साइड. ये हमको ऑलरेडी याद होगा, आप लोगों को याद होगा. करेक्ट. एंड द थर्ड इज अवर बैलेंस शीट. बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जिस वो भी टी फॉर्मेट में रेडी होता है, बट उसमें डेबिट क्रेडिट नहीं आना है. वहां पर आता है लायबिलिटीज अमाउंट, अमाउंट एसेट्स, अमाउंट अमाउंट. कुछ याद आ रहा है हमारा लास्ट ईयर का? तो हमको ये तीन चीजें रेडी करनी होती है. हमारे पास जो क्वेश्चन अवेलेबल रहते हैं दैट इज इलस्ट्रेशन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, उसमें हमको ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस दिया जाता है. करेक्ट. ट्रायल बैलेंस के नीचे हमारी 4 to 5 एडजस्टमेंट्स होती है. वो एडजस्टमेंट्स के डबल इफेक्ट्स हमको देने होते हैं. मतलब ये सब हमारा बेसिक है फाइनल अकाउंट्स का, वो हम रिविजन लेंगे. बिफोर स्टार्टिंग दैट वो टॉपिक आते आते एटलीस्ट 4-5 लेक्चर्स ऑलरेडी लगेंगे. तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक पार्टनरशिप. साइड में आपको इमेज दिखाई दे रही है. द टॉपिक इज मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप. नाउ पहले थोड़ा सा बेसिक्स लेते हैं. पार्टनरशिप क्या होता है? सी फॉर एग्जाम्पल, एक नॉर्मल कंज्यूमर को फॉर लिविंग हिज रेगुलर लाइफ ही रिक्वायर्स या फिर ही हैज सम डेली नीड्स. करेक्ट. अब वो डेली नीड्स को फुलफिल करने के लिए उसे गुड्स लगेंगे या सर्विसेज लगेगी. चलो हम मॉर्निंग लाइफ से स्टार्ट करते हैं. इन द अर्ली मॉर्निंग व्हेन वी गेट अप वी यूज टूथब्रश, वी यूज टूथपेस्ट. तो ये क्या हो गई हमारी गुड्स. वट एवर वी डू वी डू वी डू वी डू. अब हमें इमेजिन वी वॉन्ट टू गो टू स्कूल, ईदर कॉलेज और ऑफिस और समवेयर एल्स. हम ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे, हमें नीड है. तो वो क्या हो गई अपनी सर्विसेज. तो एक ह्यूमन लाइफ में रेगुलरली गुड्स एंड सर्विसेज की नीड होती है. अब ये जो गुड्स और सर्विसेज होते हैं, हम थोड़ी देर के लिए गुड्स को कंसिडर करते हैं. वट एवर गुड्स अ कंज्यूमर इज यूजिंग इन हिज डेली लाइफ, वो गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सम बिजनेस हाउसेस. आप टूथपेस्ट का कोई भी एक ब्रांड ले लो, वो टूथपेस्ट एक कंपनी प्रोड्यूस कर रही है. तो अगेन वो कंपनी क्या कर रही है? बिजनेस. नाउ व्हाट इज बिजनेस? आपने ऑलरेडी उसी में किया है प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड बिजनेस. नाउ अब ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस कैन बी अंडरटेकन बाय अ सिंगल पर्सन और मोर देन वन पर्सन. मतलब अकेले मैं बिजनेस कर रही हूँ या फिर मेरे साथ कोई पर्सन काम कर रहा है. तो सिंगल पर्सन अगर करता है तो इट इज कॉल्ड एज सोल ट्रेडिंग कंसर्न, याद आ रहा होगा. मोर देन वन पर्सन करते हैं तो उसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म. करेक्ट. तो हमको मैसेज ये मिला कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इफ इट इज ओन मैनेज एंड कंट्रोल बाय वन पर्सन दैट इज कॉल्ड एज सोल ट्रेडिंग कंसर्न, एंड इफ इट इज मोर देन वन पर्सन इट इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप फर्म. एग्री. अब ये जो पार्टनरशिप फर्म है वो क्या हुआ? बिजनेस मैन हुआ या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? तो आंसर विल बी ऑब्वियसली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. तो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मोर देन वन ओनर होता है इट इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप फर्म. इज इट ओके? फर्स्ट टर्म अपना कंप्लीट होता है पार्टनरशिप फर्म. पार्टनरशिप फर्म में जो लोग काम करते हैं उन लोगों को बोला जाता है पार्टनर्स. नाउ अकेला है तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न, एक से ज्यादा है तो पार्टनरशिप फर्म. अब पार्टनरशिप फर्म में मैसेज ये मिला कि मिनिमम कितने लोग चाहिए? दो लोग. तो दो लोग जो बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप फर्म. अब मैक्सिमम 10 इन बैंकिंग बिजनेस एंड 20 इन नॉन बैंकिंग बिजनेस. तो अब हमें पता चला कि पार्टनरशिप फर्म क्या है, पार्टनर्स क्या है एंड कितने पार्टनर्स होते हैं. तो बेसिकली ये सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं. नाउ हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. इमेजिन अ केक शॉप. अगर मैंने खुद ने मेरी केक शॉप स्टार्ट की है अलोना
मैंने सारा कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, पैसे को हम बोलते हैं कैपिटल। अगर मैंने खुद ने वो स्टार्ट किया तो इट इज कॉल्ड एज सोल ट्रेडिंग कंसर्न। बट मुझे ये रियलाइज हुआ कि नहीं यार, मेरी केक शॉप में अब फंड्स कम पड़ रहे हैं, या फिर मुझे मेरी केक शॉप में थोड़ा सा और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, एंड मेरे पास इतना ज़्यादा फंड्स नहीं था। तो आई टुक हेल्प ऑफ सेकेंड पर्सन, इमेजिन उसका नाम है मिस्टर ए। मिस्टर ए ने मेरे साथ पैसे इन्वेस्ट किए, तो उसी मोमेंट पर वो सोल ट्रेडिंग कंसर्न ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो गया, पार्टनरशिप फर्म। तो वी गॉट द मैसेज कि अकेला पर्सन सोल ट्रेडिंग कंसर्न, एक से ज़्यादा इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप फर्म, इज इट ओके। नाउ अब वो केक शॉप में दो लोगों ने कैपिटल इन्वेस्ट किया, एग्री। अब एक बंदा बिजनेस क्यों करता है, मतलब एक बंदा नहीं, बिजनेस का मेन रिवॉर्ड क्या होता है, प्रॉफिट। बिजनेस इज ऑल डन इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट्स, नॉट नेसेसरी कि हमें हर बार प्रॉफिट्स होंगे, देर आर चांसेस कि लॉसेस भी हो। तो अब हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें प्रॉफिट मिलेगा, मी एंड माई पार्टनर। अब जो प्रॉफिट शेयरिंग होगी हम कैसे करेंगे, इमेजिन हम दोनों ने कैपिटल लगाया 5 लाख 5 लाख, तो हम प्रॉफिट भी कैसे लेंगे, इक्वल। हमने पैसे इन्वेस्ट किए कि मैंने 1 लाख उसने 2 लाख, तो जब प्रॉफिट होगा तो मैं आधा लूंगी और वो मुझसे डबल लेगा, दैट इज 1:2। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मैटर करता है पार्टनरशिप फॉर्म में, जिसके लिए जब पार्टनरशिप फॉर्म बनता है तो वो एग्रीमेंट बनाया जाता है। एग्रीमेंट इज ऑफ अगेन टू टाइप्स, ओरल एग्रीमेंट है, देर आर टू टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट, ओरल एग्रीमेंट है, रिटन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है, एक्सेप्ट करना, एग्री करना, म्यूचुअली एग्री करना, मतलब लाइक ओके हाँ तूने भी एग्री किया मैंने भी एग्री किया, लाइक दैट। सो अब ओरली कैसे होगा कि ओके डन डन, हम दोनों जितने प्रॉफिट्स होंगे उसका 50-50 लेंगे, तो दैट इज ओरल एग्रीमेंट। बट हमने बकायदा स्टैम्प ड्यूटी, मतलब विद हेल्प ऑफ स्टैम्प पेपर्स हम वो एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो इट इज कॉल्ड एज रिटन एग्रीमेंट। कुछ एग्रीमेंट्स ओरली हो जाते हैं कि हाँ ट्रस्ट अच्छा खासा है, अच्छा रिलेशनशिप है, तो दे गो विद द ओरल एग्रीमेंट। बट इन सम केसेस की नहीं, हमें प्रूफ चाहिए, एविडेंस चाहिए, तो पीपल गो विद रिटन एग्रीमेंट। सो एग्रीमेंट्स रेडी होते हैं, एग्रीमेंट्स रेडी होने के बाद जो मोमेंट पे एग्रीमेंट रेडी किया जाता है उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड किया जाता है कि हम प्रॉफिट कैसे शेयर करने वाले अमंग द पार्टनर्स। सो आपको कुछ कनेक्ट हो रहा है कि पार्टनरशिप फर्म कैसा हो रहा है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर एक से ज्यादा लोग हैं जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, प्लस गुड्स एंड सर्विसेज हमें देने वाले हैं जिसमें प्रॉफिट भी होगा तो भी शेयर किया जाएगा, एंड इवन लॉसेस भी होंगे तो वो लोग खुद के पॉकेट से पे करेंगे। नीचे आपको जो लाइन दिखाई दे रही है, मीनिंग देखो, पार्टनरशिप इज एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर देयर इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन्स। जस्टिफाइड है कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दो या दो से ज्यादा लोग रहेंगे, कमिंग टूगेदर एक साथ काम कर रहे हैं, दैट टू एक बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हैं, टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेस ऑफ द फर्म। ये मैंने बोला कि देयर मे बी चांसेस कि कभी लॉसेस हो, तो हेंस पार्टनरशिप एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां दो से ज्यादा लोग काम करते हैं इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट्स एंड समटाइम्स टू बेयर लॉसेस। अब हम डेफिनेशन पर जाते हैं, यहाँ पर देखो दो डेफिनेशन है। हम लोग पहला डेफिनेशन रेफर करें कि अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, आप सबको पता होगा लास्ट ईयर आपने पढ़ा है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में पास हुआ था। अकॉर्डिंग टू दैट एक्ट सी सेक्शन 4 बोलता है कि पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है बिटवीन, देयर इज इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द पर्संस, जो लोगों ने बकायदा एग्री किया है टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। अब वो जो लास्ट की लाइन है ना एक्टिंग वाली, सी द लाइन, कैरीड ऑन बाय ऑल और वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, का मतलब सी अगर मान लो 5 पार्टनर्स है, पांचों एक साथ एक्टिव नहीं रहते, एक काम करता है तो बाकी 4 स्लीपिंग होते हैं, सेकेंड काम करता है तो फर्स्ट बाकी 4, थर्ड काम करता है तो बाकी 4, करेक्ट। सो इसमें क्या हो रहा है कि पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशनशिप है, ऐसा एक बिजनेस है जहां पर एक बंदा काम कर रहा है सबके लिए और सब काम कर रहे हैं एक के लिए, मतलब अगर इसके वजह से प्रॉफिट होगा तो ये अकेला अपने पॉकेट में नहीं रखेगा, सब शेयर करने वाले। तो सेक्शन 4 कंपनीज एक्ट 1932 क्लियरली एक्सप्लेन करता है दैट कि एक ऐसा रिलेशनशिप है बिटवीन द पर्संस हु हैव एग्रीड टू कैरी ऑन द बिजनेस, कैरीड ऑन बाय ऑल और वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज टुडे, आप लोगों ने जो आपके साथ बीके बुक आप जो भी रजिस्टर मेंटेन करने वाले हो, दिस डेफिनेशन यू हैव राइट एटलीस्ट 3-5 times और मे बी 10 times। क्लासेस में मैं होती तो श्योर मैंने आपको 10 times लिखने दिया होता और नेक्स्ट डे मैंने आपका होमवर्क्स भी चेक किया होता, बट वी आर अवे फ्रॉम ईच अदर, सो यू हैव टू राइट दिस डेफिनेशन एंड गेट इट, प्रिपेयर करके रख लो। एंड मैं ये भी बोल रही हूँ कि बोर्ड एग्जाम में आपको ये डेफिनेशन नहीं आएगा, बट फॉर श्योर आपके OC में ये कंसेप्ट है जिसमें ये डेफिनेशन आता ही है, सो ये डेफिनेशन आपको प्रिपेयर करना है। एंड द सेकेंड डेफिनेशन इज अगैन गिवन बाय प्रोफेसर हैंडी दैट
कि इट इज अ रिलेशन एग्जिस्टिंग बिटवीन द पर्सन कंपिटेंट टू मेक कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट मैंने जस्ट बोला कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, दो, ओरल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिटन कॉन्ट्रैक्ट. तो एग्रीमेंट जहां पर बनेगा, जहां पर कौन सा बिजनेस कैरी होने वाला है, लॉफुल. लॉफुल मीन्स वॉट, लीगल बिजनेस विथ अ व्यू टू अर्न प्राइवेट गेन. गेन मतलब क्या, प्रॉफिट. तो इन शॉर्ट पार्टनरशिप इज ऑल अ बिजनेस कैरीड ऑन टूगेदरली एंड सब लोग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली या फिर रेशियो के हिसाब से शेयर करते हैं. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. ये जो भी मैंने अभी आपको बोल रहा है ऑलरेडी आपको आइडिया होगा, उसी में ये टॉपिक हुआ होगा. स्टिल हमने ये स्टार्ट किया है. नेक्स्ट लेक्चर विल बी अबाउट फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर, जिसके कुछ अराउंड 9 to 10 पॉइंट्स है वो हम डिस्कस करेंगे. स्टार्टिंग में हमको थोड़ी सी थ्योरी कंसिडर करनी होगी, उसके बाद हम प्रैक्टिकली हमारा अकाउंट स्टार्ट करने वाले हैं. एंड आज का होमवर्क, एज यू ऑल नो, होमवर्क इन द सेंस यू हैव टू लर्न द डेफिनेशन. मैं अगेन बोल रही हूँ आपको, पार्टनरशिप टाइम 1932 का डेफिनेशन लर्न करना है. प्रोफेसर हैनी, जिनको ईजी लग रहा है दे कैन डू, इफ नॉट इट्स ओके. लास्ट ईयर की टेक्स्ट बुक में प्रोफेसर हैनी प्रिंट हुआ है, दिस ईयर प्रोफेसर हैनी है, जस्ट चेक आउट दैट इज प्रोफेसर हैनी के हिसाब से हम जाएंगे. एंड ये साल आपको प्रोफेसर हैनी ही रेफर करना है फॉर रीडिंग पार्ट, बट आपको लर्न तो पार्टनरशिप 1932 का डेफिनेशन करना है. इज इट ओके? थैंक यू.